सो गाइस आईपीएल 2021 का मैच नंबर 39 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खत्म हो चुका है एंड जो मैच है वो यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 54 रन के साथ ये मैच जीत चुकी है एंड यहां पे आरसीबी के जीतते ही पॉइंट्स टेबल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आखिर सभी टीम्स को कितने मैचेस जीतने होंगे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए एंड यहां पे दो टीम्स ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है, एक टीम प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुकी है। इसमें हम पॉइंट्स टेबल को एनालाइज करने वाले थे, सो वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो इसमें बात करते हैं पहले पोजीशन की। तो गाइस अब पॉइंट्स टेबल पे पहले पोजीशन पे है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग की टीम ने कुल 10 मैचेस खेले, उन 10 मुकाबले में से 8 मुकाबला जीती है, 2 मुकाबला हारी है। 16 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है +1.069 का। अब दोस्तों यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम 10 मैचेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 16 पॉइंट्स अचीव कर लिया है, यानी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है एंड यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग के अभी भी 4 मैचेस बचे जो यहाँ पे सनराइज हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स के खिलाफ है एंड यहाँ पे सीएसके की टीम चाहेगी यहाँ पे 4 में से अगर 2 मैच भी जीत जाए तो यहाँ पे सीएसके की टीम पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 या फिर नंबर 2 पे एंड करेगी, ताकि जो क्वालिफायर 1 का मैच है वो यहाँ पे सीएसके की टीम खेल सके। तो गाइस यहाँ पे सीएसके की टीम कल के मैच में यहाँ पे जीते ही दूसरी टीम बन चुकी है जो यहाँ पे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्थान की। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे दूसरे स्थान पे है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कुल 10 मैचेस खेले, उन 10 मुकाबले में से 8 मुकाबला जीती है, 2 मुकाबला हारी है। 16 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है +0.711 का। अब दोस्तों यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी 10 मैचेस में से कुल 16 पॉइंट्स अचीव कर लिए, यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, यानी कि नंबर 1 एंड नंबर 2 की जो टीम है वो यहाँ पे हमें मिल चुकी है। यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग है, दिल्ली कैपिटल्स की टीम है एंड यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के आने वाले 4 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। यानी कि दोस्तों इनमें से अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम 2 मैचेस भी जीत जाती है तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी क्वालिफायर 1 ज्यादा चांसेस है कि खेलने वाली है। तो गाइस यहाँ पे टोटल 39 मैचेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 2 टीम्स ऑफिशियल प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है एंड यहाँ पे 2 टीम्स अभी और बची है जो यहाँ पे हमें आने वाले 7 या फिर 8 मैचेस में पता चल जाने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते तीसरे स्थान की। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट्स टेबल के तीसरे स्थान पे है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी की टीम ने कुल 10 मैचेस खेले, उन 10 मुकाबले में से 6 मुकाबला जीती है, 4 मुकाबला हारी है। 12 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.359 का। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आरसीबी की टीम को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने तो गाइस हमें आरसीबी को अपने बचे 4 मुकाबले में से 2 मुकाबले जीतने होंगे एंड यहाँ पे आरसीबी के आने वाले 4 मुकाबले हैं राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद एंड दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। यानी कि इनमें से अगर आरसीबी की टीम 2 मैचेस भी जीत जाते तो गाइस यहाँ पे आरसीबी की टीम भी ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी एंड अगर इनमें से अगर 3 मुकाबले भी हार जाती है या फिर 4 मुकाबले हार जाती है तो यहाँ पे आरसीबी की टीम प्लेऑफ के रेस से बाहर हो जाएगी, जो यहाँ पे लगभग हम नामुमकिन समझ सकते हैं। यहाँ पे से कम 1 या फिर 2 मैच तो यहाँ पे आरसीबी की टीम जीत ही सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे स्थान की। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे चौथे स्थान पे है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कुल यहाँ पे 10 मैचेस खेले, उन 10 मुकाबले में से 4 मुकाबला जीती है, 6 मुकाबला हारी है। 8 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है +0.322 का। अब यहाँ पे दोस्तों केकेआर को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने तो गाइस यहाँ पे केकेआर को अपने बचे 4 मुकाबले से 4 मुकाबले जीतने हो गए एंड यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स के आने वाले 4 मुकाबले हैं दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद एंड राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। यानी कि इन 4 मैचेस में से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 4 मैचेस जीतने हो गए। अगर बाई चांस यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आने वाले 4 मुकाबले में से 2 मुकाबले भी हार जाते तो यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो प्लेऑफ की रेस है उससे बाहर हो जाएगी, यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स आने वाले 4 मुकाबले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डू डाई वाला सिचुएशन केकेआर के रहने वाले। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें स्थान की। तो गाइस यहां पे पॉइंट्स टेबल पे पांचवें स्थान पे है पंजाब किंग्स की टीम। जी हां दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम ने कुल 10 मैचेस खेले, उन 10 मुकाबले 4 मुकाबला जीती है, 6 मुकाबला हारी है। 8 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.271 का एंड यहाँ पे अगर पंजाब किंग्स को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो गाइस पंजाब किंग्स को अपने बचे 4 मुकाबले में से 4 मुकाबले जीतने हो गए। यहाँ पे पंजाब किंग्स से आने वाले 4 मुकाबले हैं मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। यहाँ पे पंजाब किंग्स का वही सिचुएशन है डू डाई वाला, अगर यहाँ पे इनमें से अगर 2 मैचेस भी पंजाब किंग्स की टीम हार जाती है या फिर 1 मैच भी हार जाता है तो गाइस
पंजाब किंग्स टीम लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। एंड यहाँ पे पंजाब किंग्स टीम के आने वाले चार मैचेस बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इन चारों टीम्स को यहाँ पे पंजाब किंग्स को कैसे भी करके हराना है अगर इनको प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं छठवें स्थान की, तो कैसे हमें पॉइंट टेबल पे छठवें स्थान पे है राजस्थान रॉयल्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कुल 9 मैचेस खेले, उन 9 मुकाबले में से 4 मुकाबले जीती है, 5 मुकाबला हारी है। 8 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.319 का। अब दोस्तों यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने, तो कैसे यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को अपने बचे हुए 5 मुकाबले में से 4 मुकाबले जीतने होंगे। एंड यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के आने वाले 5 मुकाबले हैं सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस एंड कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। एंड यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के कहीं ना कहीं सिचुएशन कहीं हद तक बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को बस 5 में से 4 मुकाबले जीतने होंगे। अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम बाई चांस एक मुकाबला भी हार जाती है तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर 2 मुकाबले हार जाती है तो यहाँ राजस्थान रॉयल्स की टीम यहाँ पे दिक्कत में आ सकती है। अगर 3 मुकाबला हार जाते तो गाइस यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। लेकिन ये नौबत मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को देखना पड़ेगा। यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम मुझे लगता है कि 5 में से 4 या फिर 3 मैचेस वो जीत जाएगी। अगर इनमें से 4 मैचेस जीत जाती है तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो चलिए बात करते हैं सातवें स्थान की, तो गाइस अब पॉइंट टेबल पे सातवें स्थान पे है मुंबई इंडियंस की टीम। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल 10 मैचेस खेले, उन 10 मुकाबले में से 4 मुकाबला जीती है, 6 मुकाबला हारी है। 8 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.551 का। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने, तो गाइस यहाँ पे मुंबई इंडियंस को अपने बचे हुए 4 मुकाबले में से 4 मुकाबले जीतने होंगे। एंड यहाँ पे मुंबई इंडियंस के आने वाले 4 मुकाबले हैं पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान एंड सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। अब दोस्तों बात करते हैं आठवें स्थान की, तो गाइस अब पॉइंट टेबल पे आठवें स्थान पे है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद की टीम ने कुल 9 मैचेस के लिए, 9 मुकाबले में से 1 मुकाबला जीती है, 8 मुकाबला हारी है। 2 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.637 का। अब दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद की टीम ऑफिशियली प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे हैदराबाद की टीम ने 8 मैचेस हार गई। यहाँ पे आने वाले अगर 5 मुकाबले हैदराबाद की टीम जीत भी जाती है, तो गाइस यहाँ पे हैदराबाद के पास टोटल 12 पॉइंट्स रहने वाले। एंड यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी टीम इस साल 12 पॉइंट के साथ प्लेऑफ के क्वालीफाई करेगी। तो गाइस यहाँ पे हैदराबाद के आने वाले 5 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड मुंबई इंडियंस के खिलाफ बहुत सारे क्रूशियल मैचेस यहाँ पे खेलने वाली है हैदराबाद की टीम। एंड इनमें से अगर किसी भी टीम को यहाँ पे हैदराबाद की टीम हरा देती है तो वो हारी वाली टीम यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत में आने वाली है। तो लेट्स सी क्या होता है, हैदराबाद की टीम अब यहाँ पे हारने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हैदराबाद की टीम और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको सभी टीम्स का बता दिया कि यहाँ पे सभी टीम्स को आखिर कितने मैचेस जीतने होंगे प्लेऑफ के लिए। एंड यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे 2 टीम्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम है एंड साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। एंड यहाँ पे एक टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, जो यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो अगला मैच यानी कि मैच नंबर 40 है, वो यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा। एंड ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए, बिकॉज यहाँ पे अगर ये मैच राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत जाती है, तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम जीतते ही यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट्स टेबल चौथे स्थान पे आ जाएगी। एंड चौथे स्थान पे यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के पास टोटल 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। देन यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को 4 मैच से सिर्फ 3 मैचेस जीतने होंगे। एंड अगर ये मैच राजस्थान रॉयल्स की टीम हार जाती है तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम जहाँ पे है वहीं पे रहने वाली है। एंड फिर यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स का फिर डू ऑर डाई सिचुएशन हो जाएगा, यानी कि 4 में से फिर 4 मैचेस जीतने होंगे, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली। तो गाइस यहाँ पे अगर राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने हैं तो ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैच को कैसे भी करके राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीतना होगा। अब दूसरा हम बात करते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में, यानी कि आखिर वो कौन सी 4 टीमें जो यहाँ पे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। तो गाइस यहाँ पे 2 टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी, जो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है एंड दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 2 टीम ही टॉप 2 टीम रहने वाली है, यानी कि ये 2 टीम के बीच में यहाँ पे क्वालिफायर 1 का मैच खेला जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं बाकी के जो 2 स्पॉट्स बचे, उनमें यहाँ पे आखिर कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है। एक टीम तो डिसक्वालीफाई हो चुकी है एंड 2 टीम क्वालिफाई कर चुकी है, यानी कि टोटल 5 टीम्स यहाँ पे बची है। एंड यहाँ पे 5 टीम में से
दो टीम यहाँ पे क्वालिफाई करने वाली है। एंड यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन नहीं देने वाला हूँ, यहाँ पे स्टेट्स के हिसाब से आखिर कौन सी टीम के ज्यादा चांसेस निकल के आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे जो सबसे टॉप पे वो यहाँ पे है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, आरसीबी की टीम अभी सबसे टॉप पे क्वालिफाई करने के रेस में। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे आरसीबी की टीम यहाँ पे तीसरे स्थान पे, मतलब तीसरे या फिर चौथे स्थान पे एंड करेगी, बिकॉज यहाँ पे आरसीबी को अपने बच्चे चार मुकाबले में से दो मुकाबले जीतने हो गए। एंड जो दूसरी टीम में यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम है, बिकॉज यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम भी बहुत अच्छी सिचुएशन में, बिकॉज यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम पांच में से सिर्फ चार मैचेस जीतने। एंड जो बचे हुए तीन टीम्स यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, पंजाब किंग्स की टीम एंड मुंबई इंडियंस की टीम, बिकॉज इन टीम्स को मैंने रैंक पे रैंक वाइज इसलिए रखा बिकॉज यहाँ पे इन तीन टीम में सबसे ज्यादा नेट रन रेट यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है, देन यहाँ पे पंजाब किंग्स के पास है, देन यहाँ पे सबसे खराब अभी फिलहाल मुंबई इंडियंस के पास नेट रन रेट है। एंड यहाँ पे तीनों ही टीम्स को यहाँ पे अपने बचे हुए चार मुकाबले में से चारों मुकाबले जीतने हो गए। तो गाइस यहाँ पे जिनके ज्यादा चांसेस है उनको मैंने टॉप पे रखा, एंड जिनके सबसे कम चांसेस है उनको मैंने बॉटम पे रखा, जो यहाँ पे आरसीबी की टीम है, नंबर दो पे राजस्थान रॉयल्स की टीम, नंबर तीन पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, नंबर चार पे पंजाब किंग्स की टीम एंड नंबर पांच पे मुंबई इंडियंस की टीम। यानी कि अभी फिलहाल आरसीबी की टीम एंड आरआर की टीम सबसे टॉप पे है, जो यहाँ पे अपने बचे हुए दो स्पोर्ट्स के लिए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि फाइनली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम, दिल्ली कैपिटल्स की टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम एंड आरआर की टीम मुझे लगती है जो यहाँ पे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। एंड यहाँ पे फाइनल कुछ कह नहीं सकते, हर मैचेस कंप्लीट होने के बाद जो सीनरी वो बदलता जा रहा है एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। तो गाइस जो अगला मैच है, कौन सी टीम जीतने वाले, कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो, क्या राजस्थान रॉयल्स की टीम जीतेगी या फिर हैदराबाद की टीम फाइनली अपना जीत की भूख यहाँ पे खत्म करने वाली है, कौन सी टीम जीतेगी एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस वो कहीं बैन करते हैं, बड़ा आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।